मुंबई में लॉन्च हुआ फिल्म साइना का ट्रेलर। साइना के लिए मिस चोपड़ा ने की है जमकर मेहनत। बॉलीवुड में एक बार फिर बायोपिक का दौर शुरू हो गया है। फेमस बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल की लाइफ पर बन रही फिल्म फाइनली 26 मार्च को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को बेहतरीन डायरेक्टर अमोल गुप्ते ने डायरेक्ट किया है और इस कहानी में बतौर साइना परिणीति चोपड़ा नजर आएंगी। ट्रेलर को सोशल मीडिया पर गजब का रिस्पांस मिल रहा है। मुंबई में मंडे को साइना का ट्रेलर लॉन्च इवेंट होस्ट किया गया, जहां फिल्म के स्टारकास्ट मौजूद रहे। परिणीति चोपड़ा, डायरेक्टर अमोल गुप्ते, यंग साइना का किरदार प्ले करने वाली नायशा भी ट्रेलर लॉन्च इवेंट का हिस्सा बनी। परिणीति ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आखिर क्यों ये फिल्म साइन करना चाहती हैं। मैं एक ऐसे चैलेंज को ढूंढ रही थी, जिस तरह की फिल्में मैं कर रही थी, दे वर प्रीटी मच एन एक्सटेंशन ऑफ मी एंड आल्सो व्हाट राइटर्स एंड डायरेक्टर्स थॉट आई वाज, एंड सो दे वर राइटिंग रोल्स व्हिच वर वेरी सिमिलर एंड आई वाज आल्सो चूजिंग दोज फिल्म्स। When this film came into my life, it was exactly what I was looking for, because I was looking to surprise everybody. I was looking to do something which I'm not really known for. You know, I'm known to be the girl next door, or I'm known to be a happy whatever girl. But that's not really actually me. And I wanted to show that on screen. I wanted to show the real me on screen. So a sports biopic of a person who is still there playing in action, who is known to be a crazy tigress on court, is exactly the kind of role I would have done, even if it was fiction. So biopic was like, बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा। वैसे इस फिल्म के लिए परिणीति ने जमकर मेहनत की है और उनके लिए ये गेम बिल्कुल भी आसान नहीं था। I don't think there is any other game as hectic, as difficult to play as badminton. But the players make it look so easy, and we play under our houses every evening that we think it's very easy. So I want people to understand it took me almost 5 to 6 months to just get ready with a basic thing for the shoot. So that's how difficult it is. That was my prep. Emotionally, I left everything to Sir. You know, him being the actor that he is, I used to dread the days ki kabhi kabhi wo aake scene dikhate the karke. Mujhe lagta tha, oh my god, main to kabhi nahi kar paungi aise. You know, because Sir, jis tarah se karte, you can't have that emotional depth. साइना का यंग रोल प्ले करने वाली नायशा के काम की भी काफी तारीफ हो रही है। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि नायशा एक नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर है और देश के टॉप प्लेयर्स में शामिल होती है। आई एम इंडिया नंबर 3 इन सिंगल्स एंड इंडिया नंबर 1। वही अगर आप सोच रहे हैं कि फिल्म को साइना की जिंदगी से जुड़े किन पहलुओं को दिखाया जाए, तो इसका जवाब अमोल गुप्ते ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी दे दिया है। क्वांटिटी ऑफ इमोशन इन इन अ लाइफ स्टोरी वेयर अ सिंपल लोअर मिडिल क्लास मदर एंड फादर इन हिसार हरियाणा ब्रिंग अप अ गर्ल हु बिकम्स अ वर्ल्ड नंबर 1, for me that is the crucible of all emotions. It's a kadhai of emotions. To kya aise talna ki pura jal jana, is tarah jalna bujhna, bujh ke jalna, aisa hai sab. Film ke trailer ko kafi acha response mil raha hai. Parinithi ho ya phir Naisha, sabhi ke kaam ko saraha ja raha hai. Ab bas intezar hai to 26 march ko jab big screen par Saina ki zindagi ke deedar honge. ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।